हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। काफी स्टूडेंट्स या काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माई और माइन का इस्तेमाल हम किन किन कंडीशन में करते हैं, किस तरह के स्थितियों में करते हैं। योर या योर्स, इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं। देयर एंड देयर्स, हर एंड हर्स, इनका इस्तेमाल होता कब कब है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि दोनों का मतलब एक ही होता है, बट इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, ये चार्ट है, आप देख सकते हैं इस पे चार्ट। माई माइन, योर yours, her, hers, his, his का his ही होता है, their, theirs, our, ours। ये क्या है, जब भी हम सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, यानी कि मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उनका, उनकी के बाद, हमारा, हमारी के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसी नाउन का आप चर्चा करते हैं, तब वहाँ पर वैसे सेंटेंसेस के लिए हम ये फर्स्ट लाइन में जो है माय, योर, हर, हिज, देयर, इनका इस्तेमाल करते हैं। और जब ये अकेले में बात की जा रही हो इसकी, यानी कि मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उन लोगों का, उन लोगों के, या हमारा, हमारी के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी नाउन ना हो, वो अकेला हो, तो वहाँ पर हम सेकेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, माइन, योर्स, हर्स, दियर्स, ये इस्तेमाल करते हैं। हम सेंटेंसेस के द्वारा अच्छी तरह से समझते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक हम सेंटेंस लेते हैं, यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है, आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज माई पेन। ओके फ्रेंड्स, बट हम इसको, हम जब ऐसे बोलेंगे कि यह पेन मेरी है, यानी कि मेरी अंत में आया, मेरी के बाद कुछ और नहीं है, यानी कि मेरी अकेला है, तो यहाँ पर हम माई ना बोलकर माइन बोलेंगे, फिर हो जाएगा दिस पेन इज माइन। वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस। यहाँ पर योर के बाद हाउस की चर्चा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने योर का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलेंगे कि वह घर तुम्हारा है, तो हो जाएगा कि दैट हाउस इज योर्स। यहाँ पर योर के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाउन या प्रोनाउन का चर्चा नहीं है, यानी कि योर अकेला है, इसलिए यहाँ पर योर्स होगा। जब भी योर, माई, हर, हिज, दियर, आर, ये सब जब अकेले में हो, इनका जब चर्चा अकेले में होता है, यानी इनके बाद किसी भी नाउन का चर्चा नहीं होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का चर्चा नहीं होता है, तो वहाँ पर हम माई की जगह माइन लगाते हैं, योर की जगह योर्स लगाते हैं, हर की जगह हर्स लगाते हैं, दियर की जगह दियर्स लगाते हैं, आर की जगह आर्स लगाते हैं, बट हिज होगा तो हिज की जगह हिज ही लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यह उसकी पेन है, दिस इज हर पेन। उसकी के बाद पेन आया है, इसलिए यहाँ पर हर पेन ही होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं कि ये पेन उसकी है, दिस पेन इज हर्स। वह तुम्हारा है, दैट इज योर्स। यह मेरा है, दिस इज माइन। वह उन लोगों का है, दैट इज दियर्स। यह हमारा है, दिस इज आर्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इसका। अब ये सवाल उठता है कि हम माई की जगह माइन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, हर की जगह हर्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे, योर की जगह योर्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे, आर की जगह आर्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम क्यों करेंगे। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन की जगह हम दिस इज माई पेन भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं फ्रेंड्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात पर हम जोर देकर बोलते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पर किताबें पड़ी है, ओके,
किताबें पढ़ी है और तुम्हारी किताब कोई ले रहा है तो वो अपनी बुक समझकर, तो तुम वहां पर बोलते हो फटाक से कि अरे वो बुक मेरी है, वो बुक मेरी है, जोर देके बोलते हम कि वो बुक मेरी है। तो वहां पर हम हिंदी में अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इंग्लिश में इसका ऐसा होगा दैट बुक इज माइन, या हम सिर्फ ऐसा भी बोलते हैं कि अरे वो मेरा है, दैट इज माइन। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो इंग्लिश में भी उसका तरीका होता है बोलने का, इसलिए ऐसे जगहों पर हम माइन, योर्स, हर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह किसकी है, अगर हम पूछते हैं यह किसकी पेन है या किसकी है, तो अगर कोई जवाब देगा तो ऐसा नहीं बोलेगा कि सर वो पेन मेरी है या वह मेरी पेन है, पूरा नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है सर मेरा, मेरी या मेरा, ऐसा ही जवाब आता है सर मेरा है। ओके, यह किसकी किताब है, कोई जवाब देगा सर मेरी है, सिंपल। तो सिर्फ मेरा है, मेरी है के लिए इंग्लिश तो होना चाहिए, तो यही इंग्लिश है माइन, सर माइन, माइन बोलेंगे वहां पर, माई नहीं बोलेंगे। अगर कोई अपनी चीज के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यार ये किसकी है, तो आप उसको बोलेंगे तुम्हारी है, और वहां पर हम चीज का नाम नहीं लेते, सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि तुम्हारी है, तो वहां पर हम बोलेंगे इट्स योर्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से माई, माइन, योर, योर्स, हर, हर्स का इस्तेमाल होता है। बट जब हिज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह बुक उसकी है, तो दिस बुक इज हिज, हिज ही बोलेंगे, इसके लिए कुछ अलग से नहीं बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिज का हिज ही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ और सेंटेंसेज लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, वह घर मेरा नहीं है, दैट हाउस इज नॉट माइन। अगर हम बोलते हैं वह मेरा घर नहीं है, तो दैट इज नॉट माय हाउस। यह तुम्हारी कुर्सी नहीं है, दिस इज नॉट योर चेयर्स। यह कुर्सी तुम्हारी नहीं है, दिस चेयर इज नॉट योर्स। वह घर हमारा नहीं है, दैट हाउस इज नॉट आर्स। अगर हम इसी को ऐसा बोलते हैं कि वह हमारा घर नहीं है, दैट इज नॉट आवर हाउस। वह कार उन लोगों की है, दैट कार इज देयर्स। अगर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि यह उन लोगों की कार है, तो दैट इज देयर कार्स। ये सब हमारा है, दिस ऑल आर आर्स। ये सब तुम्हारा है, दिस ऑल आर योर्स। क्या वह तुम्हारी है, इज दैट योर्स। क्या यह मेरी है, इज इट माइन। क्या यह उसकी है, इज इट हर्स। क्या वो उन लोगों की है, इज दैट देयर्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप बिना मिस किए हर वीडियो को देखें और इंग्लिश अच्छी तरह से सीखें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहां पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।